नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। देश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों से राजधानी दिल्ली में भी डर का माहौल बन गया है। दिल्ली में लगातार सामने आ रहे ओमिक्रॉन के मामलों से खतरा बढ़ने लगा है। आज ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के दो नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या राजधानी दिल्ली में 24 हो गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि दिल्ली में आ रहे सभी कोरोना पॉजिटिव केस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने की मंजूरी दिए जाने का निवेदन भी किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए होम आइसोलेशन की व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। वहीं सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि दिल्ली में 99% लोगों को पहली डोज दे दी गई है, 70% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। जो लोग दो डोज ले चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज भी दी जाए। ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को 107 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा पिछले 6 महीनों में एक दिन में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में इससे पहले सबसे ज्यादा 115 मामले 25 जून को सामने आए थे। बता दें कि देश के बाकी राज्यों में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 20, गुजरात में 15, यूपी में 2, केरल में 15 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। वहीं तमिलनाडु में 1, राजस्थान में 19, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 शख्स ओमिक्रॉन वेरियंट से पीड़ित है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।